हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? फॉर एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन टॉक डॉक्टर। माय सेल्फ डॉक्टर अंशु मल्होत्रा। इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब रैप, क्योंकि इस चैनल पे हम लाते हैं ड्रोन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। एंड सेकंड थिंग इज टेक टेक विच आई यूज एंड आई शेयर विद माय ऑडियंस एंड माय सब्सक्राइबर्स, सो दैट दे हैव सम नॉलेज। जो भी मैं टेक चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ अपना नॉलेज, ताकि आपको भी हेल्प हो सके उन चीज़ों से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो खास तौर से मैंने बनाया ड्रोन रेबल्स के लिए। दैट इज स्काईडियो 2 के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर माई मतलब स्काईडियो 2 ने तहलका मचा दिया है ड्रोन मार्केट में आकर। अभी इंडिया में तो नहीं आया है, बट क्या क्या चीज़ें उसमें हैं जो कि DJI में भी नहीं है, और DJI जो अपना नेक्स्ट उतारेगा ड्रोन मार्केट में, आई थिंक सो, उसमें ये सब चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि मार्केट में रहने के लिए ये जो चीज़ें स्काईडियो 2 ने आपको प्रोवाइड करवा दी हैं, जो मैं बताने वाला हूँ आज, बहुत ही ज़बरदस्त, वो अगर DJI नहीं लाता तो स्काईडियो 2 हो सकता है बेताज बादशाह बन जाए ड्रोन मार्केट का। आती है कि इंडिया में कब आएगा। इंडिया में देखिए सर, जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं ड्रोन, जैसे DJI बहुत पॉपुलर है, या बहुत जो सस्ते ड्रोन होते हैं वही इंडिया में आते हैं। स्काईडियो 2 इंडिया में आएगा या नहीं, वो मैं आप बने वीडियो के साथ, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं लेट यू नो। तो फिलहाल ये वीडियो आपको बता देगा कि आपको ये कैसे खास है ड्रोन। इवन मैविक 2 जो लेटेस्ट ड्रोन है उनका, मैविक 2 प्रो में वो फीचर्स नहीं है जो स्काईडियो 2 ने अपने सेकेंड वर्जन में डालते हैं, और बहुत ही उम्दा फीचर्स हैं। और अगर कंपैरिजन करने को मिले, आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, आप बाहर हैं, तो इन फीचर्स को देखते हुए कोई भी ये कहेगा कि आपको स्काईडियो 2 लेना चाहिए। प्राइस है इसका $1000, बहुत ही कंपिटिटिव प्राइस पे इन्होंने निकाला है ड्रोन, $1000 का है। और इसके अंदर सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे लगा है वो है ऑटोनोमस फ्लाइट। मतलब कि इसमें एक ऑटोमेटिक ऑटोनोमस फ्लाइट में, जब मतलब जब ये उड़ रहा है ऑटोनोमस, आपने इसको अपने ऊपर लगा दिया ट्रैकिंग पे, और ऑटोनोमस फ्लाइट में अपने आप फ्लाई कर रहा है। इसमें एक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें डाल दी गई है। ऐसे सेंसर डाल दिए गए हैं, ऐसे 200 डिग्रीज के कैमरा डाल दिए गए हैं, जो कि अप टू 45 मेगापिक्सल तक, मैविक 2 प्रो में भी इतने हाई रेंज के सेंसर कैमराज नहीं हैं। इनकी मदद से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑब्स्टिकल्स को सेंस करता ही है, लेकिन क्या ये करता है खास, आपके सिनेमेटिक शॉट को ख़त्म नहीं करता, तबाह नहीं करता। वो कैसे, अब जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज ये पेड़ है, अब यहाँ से हमारा DJI मैविक 2 जा रहा है, मैविक 2 प्रो लेटेस्ट, अब वो जाता है और उसमें ऑब्स्टिकल सेंसर्स हैं, और जैसे भी वो आता है वो यहाँ पर आके रुक जाएगा, क्योंकि उसने वो सेंस कर लिया। और हुआ क्या, अगर आपका एक बड़ा सिनेमेटिक शॉट चल रहा है, आगे पेड़ आ गया, वो रुक गया, तो झटका आ गया, आपके सिनेमेटिक का सत्यानाश हो गया, जो आप सिनेमेटिक शॉट ले रहे थे, ठीक है। अब ये क्या करेगा स्काईडियो 2, उसमें क्या करेगा उस केस में, जैसे ही ऑब्स्टिकल आ रहा है तो ये पहले से ही सेंस कर लेगा कि आगे ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो उसको सिनेमेटिक बनाने के लिए या तो उसके साइड से निकल जाएगा, इस तरह से निकलेगा ताकि झटका बने लगे और सिनेमेटिक जो सिक्वेंस चल रही है वो बढ़िया बनती रहे, रुकेगा नहीं। तो इससे रिजल्ट्स आपके बहुत बढ़िया आएंगे विदाउट एनी यूजिंग योर ब्रेन। अदरवाइज ऐसे जब झटका आके रुक जाता है ड्रोन, तो आपको एडिटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत काम करना पड़ता है टू गिव इट ए सिनेमेटिक लुक। तो ये चीज़ें ये ऑटोमेटिक कर रहा है। तो आपको डिटेल में बताते हैं क्या क्या इसमें खास, और कंपैरिजन वाइज अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं इस इन प्रोस्पेक्ट्स में, तब फीचर्स वाइज स्काईडियो 2 DJI से आगे निकल गया है। बट हम वेट कर रहे हैं मैविक 3 प्रो की, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। हो सकता है इसमें कुछ और इससे भी ज़्यादा खास DJI पेश कर दे, क्योंकि DJI अभी तक बादशाह है ड्रोन इंडस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो विद मोर डिटेल्स ऑन स्काईडियो 2। फ्रेंड्स, ये है कुछ $1000 का स्काईडियो 2 कॉम्पैक्ट सार बनाया, दिखने में ठीक है, मतलब ज़्यादा रिवीलिंग नहीं कहूँगा मॉडल, बट इसमें फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी स्पेक्स बता देते हैं कि ये 4K अप टू 60 फ्रेम पर सेकेंड HDR वीडियो रिकॉर्ड करता है। जिनको HDR नहीं पता, HDR में आपको डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी मिलती है, तो उस किस्म के वीडियो बहुत ही बेहतरीन ये रिकॉर्ड करता है 4K क्वालिटी में। ऑटोनोमस स्पीड जैसे मैं कर दिया, जब ऑटोमेटिक फ्लाइट कर रहा था, आपने इसको अपने ट्रैकिंग में लगा दिया, उसमें इसकी मैक्सिमम स्पीड है 36 माइल्स पर आवर, दैट इज़ ग्रेट।
बैटरी टाइम 23 मिनट का क्लेम किया तो 20 मिनट तक दे देगा। बैटरी के डिपार्टमेंट थोड़ा सा पीछे हट गया, बट फीचर्स के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। साउंड 50% क्वाइटर, दैट डजेंट मैटर, 3 एक्सिस गिम्बल है, रेंज 3.5 किलोमीटर, बहुत है। अब खास चीज़ें इसमें बताता हूँ, इसको आप तीन तरह से उड़ा सकते हैं। एक अपना जनरल रिमोट वाला तरीका जो आपको मालूम है, मोबाइल ऐप वाला तरीका वो भी आपको मालूम है। ये जो तरीका है ये बहुत ही खास है। इससे क्या होगा, आपके फ्लाइंग एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं बेकन, ये आपको इसके साथ पैकेज में नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, अराउंड $149 एक्स्ट्रा खर्च करके, पर इसका फ़ायदा बहुत है। इसको आप वन हैंड से रिमोट की तरह, जैसे टीवी का रिमोट होता है उससे भी बहुत छोटा इतना सा रिमोट है, जैसे मैं आपको बताऊं ये मेरे पास रिमोट है एसी का, जस्ट इतने से रिमोट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं हाथों से, तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये तीन तरह से आप इसको उड़ा सकते हैं, और द मोस्ट एडवांस्ड फ्लाइंग एआई ऑन द प्लेनेट, ये जो मैं बात कर रहा था ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसके अंदर है। वो कैसे है, इसमें आपके पास 6K नेविगेशन कैमराज हैं जो कि 45 मेगापिक्सल्स तक की सेंसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। इन्होंने इसका सीधा सीधा कंपेरिजन किया मैविक 2 से। मैविक 2 में आपको ये मिलता है 4.9 मेगापिक्सल का एस्टिमेटेड है, लेकिन इसमें आपको 45 मेगापिक्सल, यानी काफ़ी डिटेल में आपको ये सेंस कर पाता है चीज़ों को, आसपास की ऑब्स्टिकल्स को, तभी ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप ऑब्स्टिकल्स को मतलब हटा के, हटते हुए उससे सेफ फ्लाइट करते हुए बहुत ही सिनेमेटिक शॉट्स देता है। और मैविक एयर में अगर बात करेंगे उसमें तो बस 1.9 मेगापिक्सल है, तो लेटेस्ट इनका मैविक 2 प्रो है उसमें 4.9 मेगापिक्सल की डिटेल आपको मिलती है, लेकिन स्काई ड्यू 2 में आपको मिलती है 45 मेगापिक्सल। इससे ये इसकी सेंसिंग पावर बहुत बढ़िया बनती है। दूसरा इन्होंने खास फीचर बता दिया कि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर निविडिया का डाला गया है, जो कि थिंक्स फास्टर देन 256 निविडिया प्रोसेसिंग कोर्स, दैट इज़ अल्टीमेट, बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर लगा हुआ है, ताकि आपको रियल अटेंजेंस, और इसमें आपको थोड़ा पता लगेगा किस तरह से, ये देखिए ऑब्स्टेकल सेंस करता हुआ साइकिल को ट्रैक कर रहा है नीचे से ये, और बीच में से होते हुए आपको सिनेमेटिक शॉट्स प्रोवाइड करवा रहा है विदाउट एनी वरी। यही इसकी सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, जो कि DJI को पहले लाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं ला पाया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करता रहा, लेकिन इन्होंने एकदम ला कर ये पटाखा मार दिया एकदम ज़बरदस्त। यू नो ये देखिए कैसे अपने आप पेड़ों के नीचे से ऊपर नीचे से होते हुए जो सब्जेक्ट है उसको ये नहीं छोड़ता, और आपको बहुत बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इम्पॉसिबल वीडियो नाउ पॉसिबल। अब ये जो मैं बात करता है, देखिए दो चीज़ें देखिए इसमें, ये स्काईडियो 2 चलता जा रहा है, यहाँ पर है मैविक 2, एक जगह पर मैविक 2 आके रुक जाएगा जब उसको ऑब्स्टिकल दिखेगा, लेकिन स्काईडियो 2 ये देखिए ये रुक गया एंड स्काईडियो 2 स्टिल मूविंग। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि मैविक 2 देखिए वहाँ आके रुक गया है, लेकिन स्काईडियो 2 स्टिल मूविंग एंड रिकॉर्डिंग योर फुटेज, दैट इज़ अ थिंग विच एवरीबडी वॉन्ट्स इन देयर ड्रोन्स, जो स्काईडियो ने आपको प्रोवाइड करवा दी है। और ये है इसका बेकन, जिसको आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, इसके अंदर आप इसी की हेल्प से ड्रोन को उड़ा पाएंगे। तो ये बेकन आपने अपने हाथ में रखना है, ये रिमोट का ही काम करेगा, तो ये बहुत हैंडी है एज़ कम्पेयर टू रिमोट कंट्रोलर। तो इससे आपकी हेल्प से आप ट्रैक हो पाएंगे, बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखिए इन्होंने बेकन हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उसकी हेल्प से ये ट्रैक हो रहे हैं, और बहुत ही ईजिली यू नो ड्रोन को हेल्प मिल रही है, कंट्रोल बना रहता है और कंट्रोल आपके हाथ में रहता है रिमोट की तरह, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। स्मॉलर लाइटर एंड क्वाइटर, ये इस पैकिंग में आता है, एंड ऑटोमेटिक सिनेमेटिक शॉट्स इसके अंदर ऑलरेडी दिए हैं जैसे इसमें हैं पहले से, एंड 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड HDR वीडियो, 12 मेगापिक्सल HDR फोटोज़। तो ये थोड़ा इन्होंने फीचर कंपेरिजन दिखाया, इसमें आप देख सकते हैं घास स्काई बहुत क्लियर है, ये है HDR वीडियो, और अगर आप HDR वीडियो में नहीं खींचते तो यहाँ देखिए ब्लोन आउट है सारा कुछ, घास स्काई कैसा येलोइश सा हो रहा है, इसमें पूरा आपको ब्लू दिख रहा है, यही फ़र्क होता है HDR में, डायनेमिक रेंज बढ़ जाती है, तो देखिए कितना फ़र्क है ऑलरेडी, तो ये भी आपको इसमें मिलता है। और इसकी ऐप में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं स्काईडियो ऐप की, वो इसमें थोड़ा इन्होंने बताया हुआ, तो इसमें कोई ज़्यादा बताने वाला है नहीं, एंड इट इज़ अमेरिकन, 2 साल की वारंटी ये दे रहे हैं आई थिंक, एंड
10 साल इनको लगे हैं बनाने में, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ इन्होंने बना के आपके सामने खड़ी कर दी है। तो ये था कुछ डिटेल अबाउट स्काई डियो 2, एंड आई थिंक इट इज़ जबरदस्त ड्रोन एंड इट कैन गिव गुड कंपटीशन टू DJI इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो मेरे हिसाब से अगर आपको दोनों अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट, अभी मैविक प्रो 3 लॉन्च नहीं हुआ, इस सिनेरियो में कहूँगा कि आप स्काई डियो 2 लें, क्योंकि आपको वैल्यू फॉर मनी, बहुत सारे फीचर्स, नए फीचर्स आर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि अभी DJI नहीं करवा रहा। उम्मीद हमें है कि आने वाले टाइम में ज़रूर करवाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आप क्या सोचते हैं स्काई ड्यू 2 के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपने विचार। में जानना चाहूँगा आपके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रोन, कैन इट बीट DJI इन ड्रोन मार्केट? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने विचार लिखें, प्रकट करें, और कैसा वीडियो आप चाहते हैं रिलेटेड टू ड्रोन्स ज़रूर लिखें। ये बड़ा डिमांड में था वीडियो, स्काई ड्यू 2 के बारे में डिटेल में थोड़ा बताएं और कंपैरिजन। तो मैंने दोनों आपको बता दिए, कंपैरिजन वाइज इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट बैटरी स्काई ड्यू 2 विन्स। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक एंड शेयर। थैंक यू।